जिस तरह हड़प्पा वासी झंडा रखते थे, पीपल के पेड़ को पूजते थे, जिस तरह के आभूषण और बर्तनों का प्रयोग करते थे, भारतवासी आज भी वैसा ही करते हैं। सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों के निशानों से पता चलता है कि पहियों के बीच की दूरी उतनी ही है जितनी आज है। नाप तोल की इनकी इकाइयां अभी हाल तक भारत में चलती थी। आश्चर्य की बात है कि कंबोडिया की इन ईंटों का माप हड़प्पा नगरों से मेल खाता है। विश्व के मंगल का ये चिन्ह आज भी बनाया जा रहा है। इसका मंत्र आज भी गाया जा रहा है। केवल मानव का मंगल नहीं, जड़ और चेतन सबका मंगल। इस विचार की हिंदू, जैन और बौद्ध निरंतरता बनी हुई है। ये पशुपति उसी आसन में बैठे हैं जिसमें स्नान तथा अभिषेक के लिए राजा युधिष्ठिर बैठा करते थे। इस आसन की निरंतरता लगातार पाई जाती है। जिस नासाग्र या शांभवी मुद्रा में ये योगी बैठे हैं, वह मुद्रा मूर्तियों में और साहित्य में निरंतर देखी जाती रही है। योगियों के आसन के नीचे ये हिरणें लगातार इसी तरह दर्शाई जाती रही है।